क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पोल्ट्री फार्म्स पर इम्प्रॉपर डाइजेशन और ग्रोथ की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह क्रूड फाइबर की इम्बैलेंस मिकदार है, क्योंकि बर्ड्स इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह पता चलाया जाए कि किस फीड में कितना क्रूड फाइबर कंटेंट है। उसके लिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह क्रूड फाइबर एनालाइजर के ज़रिए हम किसी भी फीड में क्रूड फाइबर कंटेंट की मिकदार को मालूम कर सकते हैं। अच्छा, तो आज हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि क्रूड फाइबर है क्या। क्रूड फाइबर रेफर्स टू द रेजिड्यू दैट रिमेन आफ्टर फीड इज ट्रीटेड विद एसिड और अल्कली ड्यूरिंग डाइजेशन। इस क्रूड फाइबर को मालूम करने के लिए एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है जिसका नाम है रॉ फाइबर एनालाइजर, जो बिल्कुल एक मोनोगैस्ट्रिक बॉडी की तरह काम करती है। इसमें फीड को पहले एसिड से ट्रीट किया जाता है और फिर बेस से ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एनिमल की जिस्म में खुराक पहले एस्टिक स्टमिक से गुजरती है और फिर बेसिक इंटेस्टाइन से। इन दोनों मरहलों से गुजरने के बाद जो फीड बच जाती है उसको हम क्रूड फाइबर कहते हैं। वेट करेंगे। अब हम इस क्रूसिबल में 2 ग्राम सैंपल ऐड करेंगे जो कि फैट फ्री है। अब हम उसका दोबारा से वेट करेंगे। अब हम आते हैं मशीन की वर्किंग की तरफ, जो कि CXC06 रॉ फाइबर एनालाइजर। ये हमारे पास क्रूसिबल जिसमें हमने फैट फ्री सैंपल लिया था, उसके नीचे हम ये रबड़ को फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्रूसिबल को यहाँ पर फिक्स कर देंगे। ये हमारे पास प्री हीट एसिड है। आफ्टर फिक्सिंग अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ml 1.25% H2SO4। आफ्टर एडिशन अब हम इस डाइजेशन वेट को ऑन कर देंगे। इस हीट शील्ड को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ये है कि ये हीट डिसिपेशन से प्रिवेंट करता है, और अगर ड्यूरिंग वर्किंग अगर क्रूसिबल क्रैक भी हो जाए तो वो हमें डैमेज नहीं करता। और यहाँ से अब हम टाइमर को सेट कर देंगे। अब सैंपल को बॉईल करेंगे 30 मिनट्स के लिए। आफ्टर बॉइलिंग हम यहाँ से फिल्ट्रेशन पंप को ऑन करेंगे। ये इसका फिल्ट्रेशन नोब है, इसको यहाँ से नीचे करेंगे और सेकंड क्रूसिबल नोब को ऑन करेंगे। सबसे पहले हमने इसको 1.25% एसिड के साथ हमने इसको डाइजेस्ट करवाया 45 मिनट्स के लिए। फिर हमने इसकी वॉशिंग की है। अब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है उसके साथ हम इसको ट्रीट करेंगे 40 मिनट्स के लिए। हम इसको डाइजेस्ट करवाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि 1.25% है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब हम 40 मिनट्स तक इसको बॉयल करेंगे। अब हम 40 मिनट्स के लिए इसका टाइम सेट कर देंगे। 40 मिनट्स हो चुके हैं, डाइजेशन इसकी पूरी हो गई है। अब हम इसको ऑफ करेंगे और फिल्ट्रेशन करनी है। हम इसके लिए फिल्ट्रेशन पंप वाले बटन को ऑन करेंगे। इधर से हम इसको ऑन करेंगे और इधर से इसको ऑन करेंगे। अब हम हॉट वाटर से इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे। अब हम इसको एसीटोन से वॉश करेंगे और दोबारा फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन हो चुकी है। अब हम एसीबीयू को हॉट एयर ओवन में लेकर जाएंगे। उधर 2 घंटे के लिए 75 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रखते हैं। हॉट एयर ओवन है ये, इसमें हम अपना रेसिड्यू रखेंगे। हमने इसको 75 डिग्री पे सेट किया हुआ है टेम्परेचर। अब हम इसको बंद कर देंगे। आफ्टर 2 आवर्स सैंपल निकालेंगे जो हो चुका है। राइट, अब हम इसको डेसिकेटर के अंदर रखेंगे 10 मिनट के लिए। आफ्टर 10 मिनट्स हमने इसको निकाले यहाँ से, और अब हम इसका अब ये हमारा सैंपल का वेट जो है ना, ये हमारे पास M1 आ गया है। ये हमारे पास अब ओवन ड्राई और डेसिकेट करने के बाद जो हमने वेट किया अपने सैंपल का, तो ये हमारे पास M1 है
वेट फॉर दिस सैंपल इन मफल फर्नेस एंड इग्निशन फॉर 3 आवर्स एट 650 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इसे ऑन कर देंगे और इसका जो टेम्परेचर है ना सेट हुआ है 650 डिग्री सेंटीग्रेड, और लेकिन अभी इसका मुद्दा टेम्परेचर जो है ना वो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और अभी ये 10 से 20 मिनट तक ये 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। अब 3 घंटे बाद हमने इसको यहाँ से निकाल लिया और हम अब इसको जो है ना ठंडा होने के बाद अब हम इसको डेसिकेटर में रखेंगे 10 मिनट के बाद। हम इसका फाइनल वेट करेंगे और जो है ना इसे हम M2 का नाम देंगे।